हेलो गाइस, शुरू करें लेक्चर आज का। ओके चलो फिर याद कर लेते हैं सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, कि आपकी जो आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, वैलेंसेस ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आपके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आप गंवाते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आप लेते हो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, याद रखना। कुछ नोटिस मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। देंगे तो पॉजिटिव, लेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये मत बोलना। अभी उसके बाद हमने ये देखे थे, देखा था कि हमारा जो सारे पीरियड्स के एलिमेंट्स है हमारे, जैसे कि फर्स्ट पीरियड का, सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनाते हैं वो किस बनाते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, और ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसा होता है। तो हमने सब एक चीज नोटिस की थी कि जो पहला एलिमेंट होता है ना हर एक, मतलब पहला तो चलो पीरियड वन हमारा जो उसमें हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम, ये हमारा वन एस टू, इसको हम कभी काउंट नहीं करते कहीं, क्योंकि ये दोनों सबसे अलग है ना। लेकिन 2s यानी कि सेकेंड पीरियड से हम सब कुछ देखना शुरू करते हैं। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो मोस्टली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे कि हाइड्राइड देख लो, तो बोरोन जो है वो क्या करेगा? बोरोन की जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्लस थ्री है, तो BH3 बनाना चाहिए, लेकिन वो बनाता है B2H6। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि दो बी और ये टू है, ये सिक्स है। आप सोचोगे कि ये टू है मैडम, ये सिक्स है, तो अपेरेंटली ये सिक्स हो गया ना कि BH3 ट्वाइस, यानी कि दो बार BH3, तो सेम तो हुआ नहीं। यहाँ पे क्या होगा? BH3 हो तो से इसके नीचे का जो एलिमेंट आता है नेक्स्ट एलिमेंट, हमारे सेकेंड पीरियड में 13th ग्रुप में जो आता है एलिमेंट सेकेंड पीरियड और 13th ग्रुप एल्यूमिनियम, वो क्या बनाता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रेट वो ऐसा बनाता है, ये ऐसा बनाता है। देखने में आपको लगेगा कि यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे सिक्स, तो दोनों में क्या फर्क है? लेकिन फर्क है इसका शेप कुछ ऐसा रहेगा, एल्यूमिनियम में इसमें क्या होगा के दो बोरोन, ये आपके बहुत हायर लेवल पे, मतलब 11th में आपका ये सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये दोनों से ब्रिज से ये हाइड्रोजन एक बोरोन बनाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी है कि हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है और इसके अपने दूसरे दो बोरोन ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लो और ये स्ट्रक्चर देख लो, कितना फर्क है दोनों में। तो स्ट्रक्चर में इतना फर्क है तो सोचो दोनों के प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं बहुत फर्क रहा होगा, तभी ये कुछ अलग दे रहा है, ये कुछ अलग दे रहा है ना। वरना तो सब कुछ सेम नहीं होता, क्योंकि हमने तो क्या देखा है कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होती है लेकिन होती एक जैसी है। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, स्पेशल ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है हमारे सेकेंड पीरियड को बाकी सारे पीरियड्स से? ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, यानी कि डिफरेंट दूसरों से डिफरेंट वो होना, उसको कहते हैं एमएस, बोलेंगे एमएस। प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड
एलिमेंट्स, ठीक है, या एनालिस का मतलब क्या होता है, बाकी सबसे डिफरेंट, बाकी सबसे अलग, ठीक है। चलो तो शुरू करें उसके बारे में जानना कि किस तरह से अलग है, ये अलग ही कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपके जो सेकेंड पीरियड ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड देखो, पहले फर्स्ट में क्या गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, सेकेंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, ये ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर टू, फिर 3 to 12 कहाँ पे है, डी ग्रुप में, और इसके आगे भी नहीं है, फिर 13 ग्रुप में क्या आ जाता है, बेरिलियम, फिर बोरॉन 14 में, कार्बन 15 में, ऑक्सीजन 16 में, क्लोरीन 17 में, फिर तो हमारा क्लोरीन नहीं सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन 17 में, फिर तो नहीं है हमारा, क्या गया मतलब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 एलिमेंट्स है, या इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स से प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं, किस तरह से डिफर करते हैं, तो जब जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज चेक करें, ठीक है, जैसे कि लिथियम, लिथियम की बात करें, लिथियम के तुरंत बाद कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम, लिथियम के तुरंत बाद कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ गलती हुई ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हो गया, हाँ अभी से हुआ, चलो ठीक है। बेरिलियम के नीचे कौन सा मैग्नीशियम, कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। अभी इनकी ये कैसे बॉन्ड बना रहे, सोडियम जो है, सोडियम किसी के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो सोडियम कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड, व्हाई, बिकॉज ये मेटल है, ठीक है, हमको पता है एस ग्रुप एलिमेंट, एस ग्रुप एलिमेंट में आप ऊपर से नीचे आओ तो मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, मोस्टली हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स है, याद करो हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स है, यहाँ से इधर आते जाओगे तो मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, तो ये तो सब मेटल होने चाहिए, तो जो मेटल हुआ है बॉन्ड बनाता है, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो आयन बॉन्ड बना रहे, तो जब हम लिथियम की बात करें तो लिथियम आपका ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या करता है, लिथियम आयनिक बॉन्ड कम और कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा देता है, इसलिए बेरिलियम भी वही करता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड देता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बाकी सब मेटल है लेकिन इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो मेटेलिक नहीं है, लिथियम और बेरिलियम मैग्नेटिक कैरेक्टर के नहीं है, सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर के नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फर्क है, तो क्या हो रहा है कि आपके जो उसके अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें, ठीक है, रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हमारा लिथियम का बहुत कम होगा, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, फिर नीचे जाते जाओ तो रेडियस बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो एक रीजन ये हो रहा है हमारा कि वो रेडियस उसका बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा उसका जब आयनिक रेडियस निकलता है तो वो और छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक बिल्कुल ही अलग से चीज देखने को मिली, क्या चीज देखने को मिली, कि आपका जो ये बेरिलियम है, बोरोन है, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज बोरोन के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, एलिमेंट याद रखना कौन सा आता है, सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसकी प्रॉपर्टीज इस साइड में होनी चाहिए, इसकी
क्रॉस में जो एलिमेंट आता है उसके साथ आइडेंटिकल है। इसकी प्रॉपर्टी हमारे बोरोन की क्रॉस में जो एलिमेंट आता है उसके साथ आइडेंटिकल हो रही है, यानी कि द नेक्स्ट एलिमेंट इन द नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा कि आपके एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर पीरियड का जो एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड की बात, सेकेंड पीरियड के जो सारे एलिमेंट्स है वो उनके नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट में के साथ क्या है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज देता है। यानी ऐसे हो रहा है, सपोज यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे सी, डी, ई, एफ, ऐसे मैं बता रही हूँ, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, इसके साथ आइडेंटिकल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल हो रही है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टीज में हमें सिमिलैरिटीज दिखती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। वन मत में आ सकता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप। अभी हमें ये रीजन जानना है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दे रहे या फिर अपने पीरियड के एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है। तो इसके पास हमारे तीन रीजंस हैं, तीन या चार रीजंस जो आपको लिखवा रही आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला रीजन ये है कि आपके जो फिर से पीरियड बना करने लगे वन टू फिर थर्टीन हो गया, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। या आपने क्या पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, तो ये सब जो है वो पहला हो गया उसका एटॉमिक साइज। पहला रीजन क्या हो गया एटॉमिक साइज कि अपने ग्रुप के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है उसी पीरियड के ग्रुप के बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब से एटॉमिक साइज ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो बहुत ही स्मॉल साइज है, ये एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन इसका है चार्ज पर रेडियस रेशियो, चार्ज के डिवीजन में रेडियस, उनके चार्ज के डिवीजन में उसका रेडियस रेशियो। अभी ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो ये बताता है चार्ज पर रेशियो कि अगर चार्ज पर रेडियस रेशियो इज लेस देन सेवन, चार्ज पर रेडियस रेशियो इज लेस देन सेवन, देन ये क्या होगा मेटल, मेटालिक कैरेक्टर होगा एलिमेंट का। अगर चार्ज पर रेडियस रेशियो ग्रेटर देन सेवन है तो वो क्या हो जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हमें ये पता चला कि हमारे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के सब एलिमेंट्स, यानी कि आपके सारे ग्रुप्स के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, तो उसका चार्ज पर रेडियस रेशियो हमें लार्ज मिल रहा है। कैसा मिल रहा है लार्ज, मतलब कि सेवन से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब वो सारे कैसे हो गए नॉन मेटालिक, इसका मतलब आपका लिथियम और बेरिलियम जो कि सबसे जिन दोनों के जो आपके ग्रुप्स है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं, है ना, ये इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और इनको इनको बोलते हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम ही ऐसा है, फर्स्ट ग्रुप का नाम हमने दिया है अल्कलाइन मेटल्स, जैसे इनको हाइड्रोजन ग्रुप दिया है, जैसे इनको हाइड्रोजन बोला है वैसे इनको नाम दिया है अल्कलाइन मेटल और इनको अल्कल मेटल्स और इनको इनको दिया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो नाम ही हमने मेटल्स दिए है लेकिन उसके फर्स्ट फर्स्ट
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी बैरिंग पर तो ना कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, समझा रही हूँ। हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किससे किससे हाई देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। ये तो बात सही है कि पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इसकी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। तो कंपैरेटिवली पूरे पीरियोडिक टेबल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो ही होती है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जैसा ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो नीचे सारे एलिमेंट होंगे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है,
एक फ्लोर में भी इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा फ्लोर में दूसरा, तीसरा तीसरा फ्लोर में तीसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो तीनों फ्लोर में एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो सबके ऊपर माइनस वन चार्ज। यहाँ पे चार फ्लोर है तो एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का भी निकाल लेगा वो। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हीलियम का तो निकाल नहीं सकता सॉरी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सब फ्लोर माइनस हो गए। तो क्या होगा, वैलेंस प्लस थ्री ये माइनस वन, लेकिन इनटू फोर तो माइनस फोर प्लस थ्री तो क्या बचेगा, माइनस वन चार्ज। और एल्यूमिनियम जो है ये मैं आपको समझा रही हूँ, जो है आयोनिक पेयर जिसमें हमने देखा था वो, तो इसकी सिर्फ मैक्सिमम ये इस तरह का कैरेक्टर बना सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम उसके नेक्स्ट उसी का नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या बना सकता है, तो वैरेक्टर स्ट्रक्चर जैसे कि वो ज्यादा कम बना सकता है, ये सिर्फ फोर तक बनाता है, इसने सिक्स तक बना लिए प्लस, यहाँ पे माइनस थ्री कैसे आ रहा है, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री, फ्लोरीन का माइनस वन इंटू सिक्स करो तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस थ्री, आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री, इसलिए पूरा चार्ज तो माइनस थ्री आया। ठीक है, तो ये जो है ये फोर वैलेंसेस पे अटक नहीं जाता है, आगे काम कर सकता है, ये क्या करता है मैक्सिमम फोर वैलेंसेस तक ही बना सकता है स्ट्रक्चर, फिर एक सबसे अलग रीजन कि हमारे जो सेकेंड पीरियड के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स है, मैं बात बात इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता कि आपको यहाँ पता चल जाए, अगर समझ जाए कि सेकेंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट्स उसमें क्या हो रहा है कि वो पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पी पाई, पी पाई बॉन्डिंग, मतलब कि पी और बीटा जो होती है सब उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड बनता है उससे वीक होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला ये जो बॉन्ड बनेगा, एक आपका सिंगल बॉन्ड होगा सपोज कार्बन कार्बन की बात करें, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हम क्या बना रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो बन रहा है ये पी एक्स पी एक्स के बीच में, ठीक है, ये किसी और की, ये एक कार्बन की पी एक्स है, दूसरे कार्बन की पी एक्स है, तो ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम इसको पी पाई बॉन्ड कहेंगे, कैसा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, तो ये जो दूसरा बॉन्ड आया ये इससे थोड़ा वीक होगा, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सब एक दूसरे के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, खुद का तो बना सकते हैं, आगे पास वाले के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, समझ रहे हो, तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये क्या बना सकते हैं, डबल या ट्रिपल पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि नीचे के सारे एलिमेंट्स हैं उनके पास जो पी ऑर्बिटल होती है, उनके पास पी ऑर्बिटल होगी ना, फिर भी वो लोग ये पी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, सिर्फ कौन करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सारे, तो ये इनका सबसे डिफरेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो फिर से बच्चों देखो, पहले हमने क्या देखा कि पहला तो है कि साइज बहुत छोटी है एटॉमिक साइज, दूसरा चार्ज प्लस रेडियस, चार्ज पर रेडियस का रेशियो बड़ा है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ रहा है। तीसरा क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो बाकी सबके नीचे के ग्रुप से हाइट होती है, ठीक है, फिर क्या देखा, डायगोनल रिलेशन देखा था, फिर क्या देखा, यस चार ऑर्बिटल्स, इनके पास सिर्फ चार ऑर्बिटल्स होते हैं, बाकी के पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, इसलिए चार तक ग्रुप चलते हैं, जबकि ये क्या करते हैं ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या देखा, पी पाई बॉन्ड जो सिर्फ ये एलिमेंट्स बनाते हैं, नीचे के ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा सेकेंड पीरियड जो है वो डिफरेंट क्यों है, बाकी सब उसी के ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट डिफरेंट क्यों है ये हमने देखा, ठीक है। अभी हम लगभग चैप्टर कंप्लीट करने की ओर है, आज यहाँ तक करते हैं, जो भी करवाया उन टाइम्स लिखना है, अच्छा एक एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम नंबर 3.9।
प्रॉब्लम नंबर 3.9। इसमें आपको दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लोरीन H2O6, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है +2। इसके ऊपर आपको इसमें ये बताना है कि जो एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है उसकी कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ सेम है क्या? कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है क्या? कोवेलेंसी मतलब कि वो कितनों के साथ जुड़ा है। देखो एल्यूमिनियम कितनों के साथ जुड़ा है? एक क्लोरीन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने किसके साथ शेयर किया है? क्लोरीन के साथ, ठीक है। छह इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए हैं? छह H2O के साथ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे H2O, ठीक है। नहीं, क्लोरीन के साथ तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इसके साथ, क्योंकि इन दोनों के बीच तो इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे। शेयरिंग किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन के साथ, सॉरी H2O के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 हर जगह पे क्या हुआ? H2O, ठीक है। ये हो गया उसका कोवेलेंसी। कोवेलेंसी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंसी 6 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा नहीं रहा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो कोवेलेंसी होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए कोवेलेंसी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी नहीं है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन की बात करें, एल्यूमिनियम मेटल है तो उसकी यहां पे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका -1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ -1 के साथ +1 स्टेबिलाइज होगा, +2 हमारा बाकी रह जाता है इसमें से, तो +2 यहाँ चला गया। समझ में? -1 +3 करोगे तो +2 बाकी रह जाता है, एक ही +1 स्टेबिलाइज हुआ तो +2 यहाँ ऊपर आ गया। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कोवेलेंसी कितनी मिली हमें? 1 2 3 4 5 6। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल अच्छे से लिख देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, सब कुछ 2 टाइम्स, ये एग्जाम्पल भी 2 टाइम्स जो करवाए थे वो।